बिग बॉस के घर में कर रहे हैं सबका जीना हराम। बिग बॉस के घर में आते ही शुरू हो गया है विवाद। इस शख्स का है दिल फेंक मिजाज। ये है राइटर सिद्धार्थ डे जनाब। बिग बॉस के घर में इस बार जहां टीवी के पॉपुलर बेटे और बहुएं नजर आ रही हैं, वहीं इस बार हुई है एक राइटर की एंट्री भी। जब से शो शुरू हुआ है तभी से सिद्धार्थ डे सुर्खियों में बने हुए हैं। टीवी एंकर शेफाली बग्गा के साथ उनका जहां एक अलग इक्वेशन देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ वो लाइमलाइट में आने के लिए आए दिन कंटेस्टेंट के साथ भिड़ते नजर आते हैं। वहीं चलिए सिद्धार्थ डे को करीब से जान लेते हैं। सिद्धार्थ डे का जन्म 12 अप्रैल 1984 में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में नागपुर महाराष्ट्र से की थी। सिद्धार्थ डे ने पहले मार्केटिंग में काम किया, उसके बाद 2004 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे और एक्टर बनने का सपना देखने लगे। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया लेकिन वो एक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन वो एक जाने माने राइटर जरूर बन गए। बता दें सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत में शाहरुख खान के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी, इसके लिए वो आज भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना के लिए भी काम किया है। वहीं सिद्धार्थ डे ने बिग बॉस सीजन 1 के 2 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट भी लिखी है। वहीं सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार के साथ वो 6 वर्ल्ड टूर्स के लिए कोलैबोरेट कर चुके हैं। उन्होंने रियलिटी शोज इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, सारे गामापा, डांस इंडिया डांस जैसे जाने माने शोज के लिए भी काम किया है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ को अवार्ड शोज के लिए भी स्क्रिप्ट लिखने का काम दिया जाता है। सलमान ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि सिद्धार्थ डे ने बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए उनके कई शोज को छोड़ दिया है। वहीं सिद्धार्थ बचपन से ही सलमान खान के काफी बड़े प्रशंसक रहे हैं। जब वो 7वीं क्लास में थे तब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी। सिद्धार्थ डे ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को बताया था कि उनके बचपन की सभी तस्वीरों में पीछे सलमान खान की तस्वीरें लगी होती थी। वैसे देखा जाए तो सिद्धार्थ डे ने शो की शुरुआत में जहां रश्मि देसाई, देवोलीना से पंगा ले लिया था, वहीं अब वो आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला से भी भिड़ चुके हैं। वेल, अब देखना ये होगा कि वो घर के अंदर कब तक टिक पाते हैं।